हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का प्लॉट साइज देखेंगे दोस्तों, 32 बाय 50 फीट का हाउस प्लांट है। 1600 स्क्वायर फीट का नक्शा रहेगा। एस्टिमेटेड इसी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 23 लाख के आसपास रहेगी फॉर द 2 फ्लोर्स। प्लान की की फीचर्स देख ले तो ड्यूप्लेक्स हाउस रहेगा, 3 बेडरूम सेट है, ड्राइंग रूम सेपरेट रहेगा, ऊपर लिविंग एरिया रहेगा आपके पास, किचन एंड डाइनिंग एरिया रहेगा, पार्किंग है, नंबर ऑफ टॉयलेट्स 4 है, ड्रेसिंग है, यूटिलिटी एरिया है और मंदिर रहेगा आपके पास। 32 बाय 50 फीट का 3 BHK हाउस डिजाइन है, 1600 स्क्वायर फीट एंड 178 गज का मकान का नक्शा रहेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, सो दैट हमारी कोई भी नई वीडियो आए उस नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए प्लान की तरफ चलेंगे। वैसे हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। स्लैब का एरिया देखेंगे 1172 स्क्वायर फीट रहेगा। प्लॉट के डायमेंशन देखेंगे तो विड्थ वाइज 32 फीट है, लेंथ वाइज 50 फीट है और फ्रंट साइड ओनली रोड है, बाकी अदर तीनों साइड इधर प्रॉपर्टीज हैं। सो उसी हिसाब से हमने प्लानिंग की है। इट मीन्स कि आपको ओपनिंग के लिए खाली फ्रंट साइड ही स्पेस है और पीछे की तरफ से आप इसके अंदर कोई ओपन स्पेस नहीं दे सकते हैं। सो एंट्री करेंगे, ये मेन गेट रहेगा, यहाँ से आपकी घर की एंट्रेंस रहेगी मेन गेट की। राइट साइड में देखेंगे बाउंड्री वॉल से आपका जो बिल्टअप एरिया का डिस्टेंस रहेगा 6 फुट 3 इंच है, तो अंदर अंदर आपके पास 5.5 फीट का स्पेस रहेगा जिसको आप एज ए लैंडस्केप एरिया या फिर टू व्हीलर पार्किंग के लिए भी यूज में ला सकते हैं। मेन गेट से सीधा चलेंगे तो आपके पास आएगी गाड़ी पार्किंग का स्पेस, 2 फीट बाय 14 फीट 3 इंच का स्पेस रहेगा जिसके अंदर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं आराम से। यहाँ काइंड ऑफ वरांडा बनाएंगे, यहाँ से एक्सेस करेंगे अपने घर के अंदर। तो ये मेन गेट मेन डोर है आपका, यहाँ से आपने एक्सेस किया, ये आपका स्टेयर केस कोर रहेगा, 3 फीट की स्टेयर केस है, 10 इंच का ट्रेड रहेगा। नंबर ऑफ स्टेप्स जो आप देखेंगे वो 16 है, तो स्लैब हाइट आप उसी हिसाब से रख सकते हैं इसके अंदर। इस तरीके से क्लॉक वाइज आप इस स्टेयर केस को रख करेंगे। यहाँ से आप एंट्री करेंगे सीधा सामने की तरफ आपको दरवाज़ा दिखेगा, ये दरवाज़ा आप एंट्री करेंगे आपके बेडरूम के अंदर। बेडरूम का साइज़ देखेंगे 15 फीट 2 इंच बाय 14 फीट 10 इंच का स्पेस है, 15 बाय 15 फीट का स्पेस है। लेआउट की बात करें तो इस तरीके से बेडिंग करते हुए सामने वाली वॉल पे आप टीवी पैनल लगाएं, फ्रंट साइड में यहाँ पे आप अपनी विंडो प्रोवाइड करें, ये आपकी अलमीरा रहेगी इस रूम के अंदर। ओपनिंग के थ्रू आप अपनी ड्रेसिंग में एंट्री करेंगे जिसका साइज़ आपको 13 फीट 2 इंच बाय 5 फीट का मिलेगा ओपनिंग के थ्रू। सो 3 फीट के आप इस ओपनिंग को रखें, यहाँ से आप एक्सेस करेंगे, एक अलमीरा आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं, एक अलमीरा आपकी ये रहेगी इस वॉल पे आप अपनी ड्रेसिंग बनवा लें। एस टॉयलेट मिल रहा है आपको, 8 बाय 8 फीट का टॉयलेट है, 2.5 फीट के दरवाजे के साथ आप टॉयलेट में एंट्री करेंगे। इस वॉल पे हमने आपके वॉश बेसिन रखे हैं, यहाँ आपकी WC रहेगी एंड पीछे आपका बेदिंग स्पेस रहेगा विद ग्लास पार्टीशन। वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे आपको शाफ्ट प्रोवाइड की है 4 बाय 8 फीट की, ओपनेबल होगी जो आपके टॉयलेट से एक्सेस आप इसको कर सकते हो, साथ ही साथ ये वेंटिलेट करेगी आपके टॉयलेट एंड पीछे वाले एरिया। सो ये आपका बेडरूम का एरिया था। मेन एंट्रेंस से आप ड्राइंग रूम के अंदर एंट्री करेंगे ओपनिंग के थ्रू, यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने ड्राइंग रूम में, 17 फीट 8 इंच बाय 15 फीट का आपका स्पेस रहेगा फॉर द ड्राइंग रूम क्लियर। इस तरीके से एल शेप में आप अपना सोफा लगाकर अपनी सिट आउट कर सकते हैं। सामने वाली वॉल पे अगर रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे कैबिनेट या टीवी यूनिट बनवा सकते हैं अपनी। आगे की तरफ चलेंगे, कॉमन टॉयलेट मिलेगा आपको, 3 फीट 3 इंच वाइड ये पैसेज है पीछे जाने के लिए, साथ ही साथ आपको पाउडर रूम में जाने के लिए भी इसी पैसेज के थ्रू एक्सेस करने को मिलेगा। 2.5 फीट के दरवाजे के साथ आप अपने पाउडर रूम में एंट्री करेंगे, 2.5 फीट के दरवाजे के साथ आपने यहाँ एक्सेस किया, 5 फीट 3 इंच बाय 4 फीट 6 इंच का पाउडर रूम रहेगा जिसके अंदर वॉश बेसिन एंड WC रहेगी आपके पास। इस तरीके से आप लेआउट करेंगे। वेंटिलेशन के लिए पीछे की तरफ आप यूटिलिटी एरिया में अपना वेंटिलेटर ओपनेबल करेंगे। ड्राइंग रूम से किचन और डाइनिंग एरिया में चलेंगे, ओपनिंग के थ्रू आपने एक्सेस किया अपने स्पेस को। पहले हम देखेंगे हमारी किचन, 12 फुट 8 इंच बाय 13 फिट का स्पेस है। इस तरीके से एल शेप में आप स्लैब दें, साथ में एक स्लैब ये रहेगी, साथ ही आप यहाँ पे अपना डाइनिंग काउंटर दे सकते हैं। सो 3 फिट का आपका एक काउंटर रहता है, 2 फिट की आपकी स्लैब रहती है। वेंटिलेशन के लिए हमने एक स्पेस यहाँ पर आपको विंडो प्रोवाइड की है, साथ ही साथ एक शाफ्ट में विंडो प्रोवाइड की है सो दैट यहाँ की जो चिमनी होगी वो सीधा वेंट आउट हो सके आपके शाफ्ट में, साथ ही साथ यहाँ पर आप अपना सिंक लगा सकते हैं। डाइनिंग काउंटर आपके पास एक अलग से रहेगा, 8.5 बाय 8.5 फीट के आसपास का स्पेस रहेगा, 5 सीटर डाइनिंग आप इसके अंदर लगा सकते हैं। स्लाइडिंग विंडो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट आप यूटिलिटी एरिया में एक्सेस कर पाएँ। 2 फिट 3 इंच बाय 8 फिट 6 इंच का यूटिलिटी एरिया रहेगा आपके पास, उसके साथ ही ये ओपन स्पेस बचता है जो एज ए लैंडस्केप एरिया एंड बिकॉज ऑफ दैट किचन, यहाँ पर आप अपनी प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह उगा सकते हैं थोड़ी बहुत। सो 8 बाय 8 फुट 8 इंच बाय 4 फुट का स्पेस है जो आप इसको एज एन
लैंडस्केप एरिया यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पर आप अपने यूटिलिटी एरिया अपने कपड़े वगैरह वॉश करके सुखा सकते हैं। करीब 9 फुट 3 इंच में 8.5 फुट का स्पेस है। सो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। डायमेंशन के साथ हमने आपको प्लान जो है वो शो किया है। स्टेयर के यूज करते हुए चलेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ इस तरीके से। सो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है। स्लैब का एरिया देखेंगे 1265 स्क्वायर फीट रहेगा। सो ये हमारी लैंडिंग है, यहाँ से आप देखेंगे अगर आपको यहाँ से अप जाना है फॉर द टेरेस एंड यहाँ से डाउन जाना है फॉर द ग्राउंड फ्लोर। यहाँ से एक्सेस करेंगे, ये हमारी लैंडिंग एरिया आ जाता है। यहाँ से आप एक्सेस करेंगे अपने बेडरूम में। 15 फीट 2 इंच का 14 फीट 10 इंच का स्पेस रहेगा इस तरीके से बैटिंग करते हुए। सामने टीवी पैनल, इस वॉल पे आपके अलमीरा, फ्रंट साइड में हमें 3 फीट की विंडो दी है स्लाइडिंग विंडो के साथ। अब अपनी बैल्कनी में एक्सेस करेंगे, 3 फीट वाइड ये बैल्कनी रहेगी आपकी। इसके बाद हम चलेंगे हमारे ड्रेसिंग एरिया में। 13 फीट 2 इंच का 5 फीट का स्पेस है, यहाँ से आप एक्सेस करेंगे। आप चाहे तो स्पेस को एज एन ड्रेसिंग अपना यूज़ कर सकते हैं या आप एज एन स्टोरेज कैबिनेट अलमीरा के तौर पर इसको यूज़ करें। पीछे आपको एक्सेस मिलेगा आपके टॉयलेट में, 8x8 का आपका टॉयलेट रहेगा अच्छे लेआउट के साथ। डब्ल्यूसी एंड बेदिंग एरिया स्पेस है, साथ ही साथ एक अलग वॉल पे आपके प्रो वॉशिंग काउंटर है डाइविट के दरवाजे के साथ आप एक्सेस करेंगे। 2x3 फीट का वेंटिलेटर रहेगा जो कि आपके शाफ्ट है, 4x8 फीट की काफ़ी बड़ी शाफ्ट है, इसके थ्रू आप इसको वेंटिलेट कर पाएँ। साथ ही साथ जो टॉयलेट्स की पाइप्स होंगी वो भी आप यहाँ से रन करेंगे। स्टेयरकेस से हम चलेंगे हमारे लिविंग एरिया के अंदर। ओपनिंग के थ्रू आप एक्सेस करेंगे। 17 फीट 8 इंच में 15 फीट का लिविंग स्पेस रहेगा। इस वॉल पर आप अपनी स्टोरेज वगैरह करवा सकते हैं, लेज वॉल वगैरह बनाकर कैबिनेट बनवा सकते हैं। इस तरीके से आप अपना सोफा सेटिंग करेंगे। नीचे आप देखेंगे आपकी मेन एंट्रेंस थी, यहाँ इसके ऊपर अपने आपको मंदिर प्रोवाइड किया है। ओपनिंग के थ्रू आप मंदिर में एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे तो इस वॉल को भी खत्म करते हुए इस स्पेस को अपने लिविंग एरिया के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो मंदिर मिलेगा आपको 9 फुट बाय 4 फुट 6 इंच का, यहाँ पर आप अपना स्टैचू वगैरह रखकर यहाँ अपनी सिटिंग कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो एक आपको थर्ड बेडरूम मिल रहा है, इस फ्लोर पे सेकंड बेडरूम रहेगा। सो लिविंग एरिया से आप एक्सेस करेंगे इस तरीके से। 8 फुट 8 इंच बाय 9 फुट का ड्रेसिंग एरिया रहेगा, इससे आप एक्सेस करेंगे या तो अपने टॉयलेट में या अपने बेडरूम में। सबसे पहले हम करेंगे हमारे टॉयलेट मेंटेनेंस ओपनिंग के थ्रू। बेडरूम का साइज देखेंगे, 12 फीट 9 इंच बाय 13 फीट 3 इंच का आपको बेडरूम का साइज मिल रहा है। इस तरीके से बेडिंग करते हुए सामने टीवी पैनल लगाएंगे। इस पूरी वॉल पे हमने आपको अलमीरा प्रोवाइड की है। साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पर कुछ एरिया स्लैब का निकालते हुए आप एक्सेस देना चाहें तो दे सकते हैं एज ए काइंड ऑफ बैल्कनी लैंडस्केप एरिया के ऊपर। स्पेस को भी आप एज एन बैल्कनी यूटिलाइज कर पाएंगे स्लाइडिंग विंडो या डोर के साथ देते हुए। ड्रेसिंग एरिया रहेगा, यहाँ पे आपने अलमीरा प्रोवाइड की है। साथ ही साथ यहाँ से काफ़ी बड़ा एरिया है, सो यहाँ पर आप सिटिंग वगैरह करके मिरर, अच्छा बड़ा मिरर यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप टॉयलेट में एक्सेस करेंगे, 2.5 फीट के दरवाजे के साथ आप टॉयलेट में एक्सेस कर रहे हैं। 9 फुट 3 इंच बाय 4 फुट 10 इंच का टॉयलेट का साइज रहेगा। लेआउट देखेंगे तो टिपिकल लेआउट है, वॉश बेसिन रहेगा, फिर आपकी डब्ल्यूसी रहेगी, लास्ट में आपका बेथिंग स्पेस रहेगा वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेटर रहेगा 2 फीट बाय 3 फीट का। सो गाइस ये फर्स्ट फ्लोर प्लान था हमारा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ये हमारा 32x50 फीट का हाउस प्लान था जिसके अंदर मैंने आपको 2 फ्लोर्स में 3 BHK हाउस प्लान दिया है विद सेपरेट ड्राइंग रूम, लिविंग रूम एंड मंदिर विद पक्का पार्किंग स्पेस एंड यूटिलिटी एरिया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं प्लान कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। आप फ्री हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में, आप इस वीडियो को फ्रीली शेयर कर सकते हैं। बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय दोस्तों।